मुंबई का क्रूज ड्रग्स केस तो आपको याद ही होगा। आपको ये भी याद होगा कि कैसे बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, लेकिन आर्यन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इसी बीच एक साल बाद आर्यन खान को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मुंबई से गोवा जाने वाली कार्डिलिया क्रूज में हुए ड्रग पार्टी मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आर्यन खान के खिलाफ सेशन कोर्ट में एडवोकेट अद्वैत सेठाना ने एनसीबी का प्रतिनिधित्व किया था। एनसीबी की ओर से दाखिल चार्जशीट में आर्यन को क्लीन चिट दे दी गई थी। एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील अद्वैत सेठाना ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। इसी हफ्ते की शुरुआत में अद्वैत सेठाना ने एक स्पेशल कोर्ट को सूचित किया था कि खराब स्वास्थ्य के चलते वो एनसीबी के प्रोसिक्यूटर के पैनल से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अदालत को ये भी बताया गया था कि एनसीबी उनकी इस याचिका पर और उन्हें सौंपे गए केसेस के संबंध में आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। सरकारी वकील के इस्तीफे के बाद आर्यन खान को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल सरकारी वकील सेठना पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन की पहली रिमांड के दौरान से एनसीबी की ओर से पेश हुए थे। इस मामले में एनसीबी ने कुल मिलाकर 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने इस मामले में इस साल मई में आर्यन समेत बाकी 14 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए आर्यन को क्लीन चिट दे दी थी। आपको बता दें, एनसीबी के सरकारी वकील सेठना सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ भी एनसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्हें पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील अद्वैत सेठना के इस्तीफे के बाद हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सवाल किए जा रहे हैं कि क्या नया सरकारी वकील आर्यन खान के ड्रग्स केस को फिर से ओपन करेगा।